हाय, मेरा नाम गौरव सेदेवा है जी। मैं ग्रेट्स स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट को पिछले 10 सालों से रन कर रहा हूँ। इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम लोग बच्चों को डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक लेकर चलते हैं। और ग्रेट्स स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट के अंदर मेरे पास 250 के अराउंड बच्चे ट्रेनिंग लेते हैं, जिसके अंदर मैं लड़कियों की बात करूँ तो वंशिका यादव उनमें से बेहतरीन कराटेका मेरे सामने आई है, जो कि पिछले जब उसने स्टार्ट किया था तो 5 साल की उम्र में उसने कराटे स्टार्ट किए, और जिसके दौरान उसने अलग अलग अपनी अचीवमेंट्स हासिल की। डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर स्टेट लेवल में वो 5 बार गोल्ड मेडलिस्ट रही, नेशनल 4 बार उसने पार्टिसिपेट किया, और इसके साथ साथ ब्लैक बेल्ट होल्डर भी है। और बताना चाहूँगा कि वो एक ऐसी लड़की है जो कि क्विक लर्नर है, मतलब उसको जो भी चीज़ बताई जाए ट्रेनिंग के वक्त वो उसको ज़्यादा टाइम नहीं लेती, बहुत ही क्विक लर्नर है। और जिस हिसाब से वो ट्रेनिंग के लिए आती है, मैं तो ये बताना चाहूँगा कि उनके पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल है। और कोई भी बच्चा अपने पेरेंट्स की विदाउट पेरेंट्स के एफर्ट से वो आगे नहीं बढ़ सकता, तो इसके अंदर उनके माताजी जो उनको घर से स्कूल से एकेडमी, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। और इसके साथ साथ वंशिका ने भरपूर साथ दिया है ट्रेनिंग के दौरान, और जो एक उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है वो भी एक सराहनीय है। किस तरह से वो अपनी ट्रेनिंग भी करती है और साथ साथ जो उसके जूनियर्स हैं उनको भी वो अपना जो एक्सपीरियंस है नेशनल लेवल तक का वो शेयर करती है, और बहुत ही मिलनसार है जूनियर्स के साथ। बहुत ही वो अपना शो करती है कि मैं उनको उनके लिए कुछ ना कुछ एक उदाहरण रहूं, और जो उनके सीनियर्स हैं उनके लिए वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल है। एक अच्छे प्लेयर के लिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो जितना मर्जी ऊंचाई तक पहुंच जाए, लेकिन उसको पता है कि वो उसकी जो सीनियर्स हैं उसकी किस प्रकार उसमें रिस्पेक्ट करनी है। एज ए टीचर वो मेरी फेवरेट है मेरी, वो मैं बताना चाहूँगा कि दिल से एक कुछ बच्चे होते हैं कि रिस्पेक्ट करते हैं, मोस्ट सभी बच्चे रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे दिल के करीब होते हैं। तो वंशिका उनमें से मेरी एक स्टूडेंट है जिसने इस एकेडमी का ही नहीं पूरे स्टेट का नाम रोशन किया है, इस देश का नाम भी रोशन किया। और मैं दिल से ये कामना करता हूँ कि जिस प्रकार से वो मेहनत कर रही है एक दिन वो ओलंपिक तक का अपना सफ़र जरूर तय करेगी। जैसे कि देखिए, कोई भी गेम है उसको प्रमोट करने के लिए मीडिया की बहुत ज़रूरत होती है, तो विदाउट मीडिया कोई भी गेम प्रमोट नहीं होती। तो इसी को देखते हुए मैं वर्ल्ड एशिया टीवी की पूरी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पर आए और वंशिका यादव का प्रोत्साहन किया और उनको घर घर तक पहुँचाने में हमारी मदद की। मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ इस पूरी टीम का, वर्ल्ड एशिया टीम का, कि वो टाइम टू टाइम इस कराटे खेल को प्रोत्साहन के लिए वो हमारे साथ जुड़ें और इस गेम को घर घर तक पहुँचाएँ। मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ वर्ल्ड एशिया टीम, थैंक यू सो मच। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गुरमीत सिंह,
और स्वागत करता हूं आपका वर्ल्ड एशिया टीवी के शो लेट्स मीट में। कहते हैं जिस इंसान के अंदर कुछ करने की चाहत होती है उसके लिए कुछ भी असंभव या मुश्किल नहीं होता। आज आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिसकी उम्र चाहे छोटी है लेकिन उसने अपने लाइफ में इतने बड़े बड़े काम कर लिए हैं जिसकी वजह से उन्होंने अपना, अपने पेरेंट्स का, स्कूल का, सोसाइटी का नाम ऊंचा किया है। जी हाँ, जिस शख्स से आपको मिलवाने जा रहा हूँ उसका नाम है वंशिका यादव। वंशिका यादव जी, आपका वर्ल्ड एशिया टीवी के शो लेट्स मीट में बहुत बहुत स्वागत है। वंशिका जी, आप हमारे दर्शकों को बताएंगे आपकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। सिंगल चाइल्ड प्लस मेरे पापा का नाम मिस्टर प्रमोद कुमार है, मम्मा का नाम मिसेस रमा यादव और मेरे पापा डिस्ट्रिक्ट बार ऑफ एसोसिएशन में लॉयर हैं और मम्मा ब्यूटिशियन है। ओके, वंशिका जी आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कौन से स्कूल में आप पढ़ते हैं। आई स्टडी इन सेक्रेड हार्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल डीआरएस नगर। एंड इन व्हिच स्टैंडर्ड? 8th स्टैंडर्ड। ओके, आप इस फील्ड में कैसे आई ये बताएंगे। Actually, I used to get bored at home. Then my parents wanted me to learn something. So they decided to make me a sports person or I don't know anything. But पापा ने मेरे को जब कराटे में एडमिशन दिलवाई थी तब तक तो इतना इंटरेस्ट नहीं था लेकिन वो हौली 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 वो मेरे को इंटरेस्ट होने लग गया वो उसमें। तो जो कराटे में जो एडमिशन दिलाई आपके पापा ने तो स्कूल में की थी या किसी क्लब में या किसी एकेडमी में? एकेडमी में की थी। तो तब आपकी एज कितनी थी? 4.5। 4.5 ईयर से आप कराटे के फील्ड में। ओके, तो अब कितने साल हो चुके हैं इस फील्ड में आपको ये परसू करते हैं? 9 ईयर्स हो गए, 10 ईयर्स हो जाएंगे इस साल। ओके, तो इन बिटवीन आपने स्कूल्स में कितने टाइम स्कूल की ओर से कंपटीशन किया है? अभी तो एक ही खेला था मैंने, रीजन 6 स्टैंडर्ड स्कूल गेम्स नेशनल्स खेली थी जो जबलपुर में हुई थी, उसके बाद तो लॉकडाउन हो गया था। बस फिर ये एक ये था और बाकी तो ऑफिशियल नेशनल्स खेली हैं 4 टाइम्स गोल्ड मेडलिस्ट इन स्टेट। ये स्कूल से हटके ओपन में आ जाती है? नहीं, ऑफिशियल्स। ऑफिशियल ये बताएंगे ऑफिशियल्स क्या होता है? ऑफिशियल मींस जो कराटे की अलग से एसोसिएशन होती है, जैसे अब स्कूल गेम्स की अलग एसोसिएशन होती है SGFI नेशनल्स, और वैसे ही कराटे की अलग एसोसिएशन होती है कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो वहाँ पर वो ऑफिशियली सिलेक्शन होती है हमारी पहले स्टेट की, उसके बाद उसमें हम नेशनल में पार्टिसिपेट करते हैं। तो जो स्टेट की सिलेक्शन होती है इसमें कोई कैटेगरीज होती है एज वाइज या हाइट वाइज हम वी कैन से वेट के अकॉर्डिंग ऐसे होता है? ऐसे होता है कि एज कैटेगरी हमारी सब जूनियर तक हम लोग जब होंगे 13 इयर्स की एज तक तब तो हमारा वेट वाइज नहीं होता, तब हमारा एज वाइज होता है वेट कैटेगरी, वो एज में ही होती है वेट कैटेगरी। लेकिन जब हम लोग कैडेट में आते हैं तब वो सारी कैडेट और सब जूनियर इकट्ठी कर दी कैडेट सारी इकट्ठी कर दी जाती है, प्लस जो हमारे वेट होता है वो हमारा वो ऑलमोस्ट ऐसे देखते हैं कि सारी कैटेगरी सारी एज ग्रुप्स को मिला के जो सिमिलर वेट्स वाले उनका कंपटीशन होता है। अब तक आप कितने कंपटीशन ऐसे कर चुके हैं, कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर चुके हैं? मैं काउंट नहीं किया, वैसे 4 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट इन नेशनल सॉरी स्टेट प्लस पार्टिसिपेशन नेशनल, अभी जो लेटेस्ट हमारा हुआ था ऑनलाइन हुआ था हमारा काता कॉम्पिटिशन इन विच यू हैव टू शो योर टेक्निक्स, उसमें प्लस 5 रेफरीज होते हैं वो आपको पॉइंट्स देते हैं, तो आप अपनी जो टेक्निक शो करते हो जिसकी बेटर होती है उसके अकॉर्डिंग भी आपको पॉइंट्स मिलते हैं। तो वो ऑनलाइन हुआ था हमारा, उसमें आई रीच्ड अ ब्रॉन्ज मेडल राउंड इन विच आई जस्ट केम डाउन फ्रॉम 0.08 पॉइंट्स। ओके, जैसे आप बात कर रहे हैं आप ऑनलाइन ऑफलाइन की, तो इसमें कौन सा इजी रहता है ऑनलाइन या ऑफलाइन, क्या क्या डिफरेंस रहा दोनों में? ऑनलाइन तो वैसे तो हम लोग वैसे कर लेते हैं, हम लोग जैसे ऑनलाइन में तो जैसे साथ के साथ सर गलतियां बताते रहते हैं, वी हैव टू शूट अ वीडियो एंड देन वी हैव टू सेंड इट फॉरवर्ड, बट इन ऑफलाइन वी हैव टू डू इट लाइव इन फ्रंट ऑफ द रेफरीज वेयर दे गिव पॉइंट्स एंड ऑल। तो इसके साथ ऐसा नहीं होता जैसे आपके साथ कोई कॉम्पिटिटर है, आपके दूसरे साथ प्रतिद्वंदी है, उसके साथ फाइट करनी है,
ठीक है, अगर ऑनलाइन है तो उसमें आप अकेले पार्टिसिपेट कर रहे हो, अकेले कर रहे हो, तो ऐसा भी है? एक्चुअली वो फाइट हमारी ऑनलाइन हो ही नहीं सकती। मेन जो होता है वो हमारा काता होता है, जो कि टेक्निक्स शो करनी होती है, तो वो हमारा डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो मतलब पॉइंट्स बताने होते हैं, ये हैंड ऊपर उठाना है, फुट उठाना है? वो हमें टोटल पूरा वो हमारा सिलेबस होता है, उसके अकॉर्डिंगली हमें सर करवाते हैं। फिर वही हमारे एक उन काता का नेम होते हैं, लाइक यान शो दान, यानी दान, सेम दान, गे दान, यौन दान, ऑल दिस। देन उसके बाद हमें सर बोलते हैं, तो तब हमें करना होता है। तो हम लोग सर से पूछ के जाता है कहीं पे टूर्नामेंट से पहले, सर क्या करना है। ओके, तो जो सर सर की बात कर रहे हैं, ये स्कूल के सारे जो सिखाते हैं या फिर ऑफिशियली जो बता रहे हैं? ऑफिशियली एकेडमी के। तो सर का नाम बताएंगे? मिस्टर गौरव सचदेवा। ओके, प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट कराटे एसोसिएशन ऑफ पंजाब। तो कितने स्टूडेंट अभी तक उनसे प्रशिक्षण ले चुके हैं या भी कर रहे हैं? एक्चुअली तो सर के दो ब्रांचेस हैं, एक जोदेवल बस्ती एंड वन इन बीआरएस नगर। तो अभी तो सर के वैसे तो मतलब इधर भी काफ़ी हैं, बीआरएस नगर जोदेवल बस्ती में सारे मतलब ऐसे सीनियर्स हैं, और उधर भी बीआरएस नगर वाली साइड भी सारे सीनियर्स हैं। तो मतलब कि छोटे बच्चे अभी काफ़ी अच्छे अच्छे रेडी हो रहे हैं। ओके, पूरे पंजाब में आप विजिट कर चुके हैं कराटे को लेकर, पूरे इंडिया में, इसके रिगार्डिंग बताएंगे? पंजाब में कहाँ कहाँ पे आपने कंपटीशन किया हुआ है? अमृतसर, पटियाला, पटियाला में हमारी स्कूल गेम्स की स्टेट हुई थी, खन्ना, वहाँ पर हमारी ऑफिशियल स्टेट हुई थी। मीन पंजाब के बहुत से हिस्सों में आपने पार्टिसिपेट किया हुआ है? इंडिया में हम लोग जबलपुर जब स्कूल गेम्स नेशनल के लिए गए थे तब। ओके, इसके बाद क्या कहीं भी आपको फॉरेन में वहाँ पे कंपटीशन करने के लिए चांस मिला, मौका मिला आपको? एक लेटर हमें मिली थी जो जापान के लिए आई थी, जापान की सिलेक्शन हुई थी जापान के लिए। लेकिन मतलब काफ़ी उस टाइम पे छोटी, तो मम्मी पापा कहते हैं अभी रुक जाओ, फिर बाद में कभी और देखेंगे। तो वहाँ पे जाने का भी मौका नहीं मिला? हाँ। तो होप ये आपको एक चांस मौका बहुत जल्दी मिलेगा। जैसे वंशिका जी, आपकी एज बहुत अभी छोटी है, तो कहीं कॉम्पिटिशन में जाना होता है तो कोई दिक्कत भी होती है वहाँ पर जाना, वापस आना या रहना, तो ऐसे कैसे फेस करते हैं आप इस प्रॉब्लम को? कभी कभार तो ऐसा होता है कि पापा भी फ्री नहीं है, मम्मा भी फ्री नहीं है, तो कभी कभार मम्मा खुद जाते हैं, नहीं तो मम्मा पापा साथ में जाते दोनों, फिर नहीं तो कभी कभार पापा वगैरह सर के साथ ही भेज देते हैं। पापा को पता है कि सर वगैरह मतलब पूरा ध्यान रखते, तो सारे सीनियर्स वगैरह होते, तो फिर हम लोग भेज देते हैं पापा वगैरह कभी कभार साथ में उनके भी। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती यहाँ पे आने जाने के लिए, कोई डर, कोई ऐसा कुछ आपको महसूस नहीं? नहीं, सर भी हमारे काफ़ी फ्रैंक हैं हमसे, तो हमें इतनी टेंशन नहीं होती। तो पूरा बच्चों वाला, पूरा हाँ। फैमिली वाला माहौल बनता है वहाँ पे, तो एंजॉय करते हैं, फन करते हैं, साथ में हाँ गेम्स करते हैं। हाँ, तो वंशिका जी, जैसे मार्शल आर्ट स्पोर्ट्स की एक कैटेगरी है, तो उसमें कौन कौन सी और सब कैटेगरीज आती हैं? इसमें ताइक्वांडो, जूडो, वुशु, उसमें से एक कराटे है। तो आपकी मार्शल आर्ट में कराटे में स्पेशलिटीज है? हाँ जी। तो इसके कुछ रूल्स वगैरह, कुछ पॉइंट्स भी होंगे, वो बताएंगे हमारे दर्शकों को? उसमें मतलब ऐसा होता है कि सब जूनियर तक आपको पूरे सेफ्टी गार्ड्स वगैरह सब कुछ मिलते हैं, लेकिन जैसे अब होता है कैडेट में जाके थोड़ा सा सीनियर लेवल स्टार्ट हो जाता है, तो अब सब जूनियर में हमारा होता है कि टच नहीं करना 10 सेंटीमीटर के फेस पे, 10 सेंटीमीटर की पूरी दूरी होनी चाहिए। कैडेट में होता है हमारे हेड गार्ड जो होते हैं वो उतर जाते हैं, हमारे माउथ गार्ड आ जाते हैं। तो प्लस उसमें भी ऐसे होता है कि जो हमारा फेस पे हम लोग टच नहीं कर सकते 10 सेंटीमीटर की, तो अगर हम लोग फेस पे टच करते तो फाउल्स वगैरह होते हैं। तो कभी ऐसा हुआ वंशिका जी, कभी आपने कराटे कॉम्पिटिशन में कर रहे हो, फाइटिंग चल रही है, तो आपके कभी चोट लगी हो, कुछ हुआ है कभी ऐसा इंसिडेंट? चोट तो लगती रहती है एक्चुअली में, तो वैसे भी प्रैक्टिस करते वक्त भी लगती है, सीनियर्स के साथ वैसे प्रैक्टिस करते तब भी लगती है। कई बार होता है ना ऐसे, चोट लगी, मैंने नहीं करना, मैं छोड़ रहा हूँ, तो कभी ऐसा आपको फील हुआ? मैं मतलब कि मैं ऐसा बोल नहीं सकती क्योंकि सर भी बैठे एक तरफ, पापा भी बैठे दोनों, कि क्यों नहीं करेगी। सर भी सर कहते तू ऐदा किदा कह सकती है। ओके, तो मीन्स आपने करना ही करना है, ये आपका मोटिव है? हाँ जी। तो चोट तो लगती रहती है, वो तो चलती रहता है, हम कोई भी काम है
गिर गिर के सीखते हैं, चोट खा खा के सीखते हैं। वंशिका जी, जैसे अभी आपने बताया, जैसे कॉम्पिटिशन्स में प्ले में करते समय चोट लगती रहती है, तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कभी आप फाइटिंग में किसी के लगी हो आपकी ओर से? मतलब एक बार हुआ था कि टूर्नामेंट था, मतलब वो एक्चुअली किक कंट्रोल मारने की कोशिश की थी, लेकिन वो ज़्यादा ज़ोर से लग गए थे, वो एक्चुअली आवाज से थप्पड़ पड़ा होता किसी को, तो इतनी ज़ोर से साउंड आई थी, तो उस बच्चे के लगी भी थी या फिर वो साउंड ही थी? मतलब वो, मतलब ठीक है, उस टाइम पे हेड गार्ड थे डाले हुए थे, तो थोड़ी सी प्रोटेक्शन हो गई थी, मतलब बचाव हो चुका था। ठीक है, ये स्पोर्ट्स में हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की भावना के साथ ही खेलना चाहिए, तो जो बोलते हैं स्पर्धा वो नहीं होनी चाहिए, कॉम्पिटिटर मतलब उसको मार ही देना इसको ये करना, ये नहीं होना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। तब बताएंगे, जैसे वो रिंग में अंदर कोई फाइटिंग हो रही है, तो उसमें कभी कोई हो जाता है अभी मैन इसको करना ही करना है, इसको मारना ही मारना है, कभी ऐसा भी हुआ आपके साथ? ऐसा मतलब छोटे होते होता था कि जैसे बाई चांस उसने हिटिंग कर दी तो मेरे को गुस्सा चढ़ जाता था कि मतलब अब चाहे जो मैं चाहे मैं हारूं, लेकिन मेरे को अब उसके मतलब दो चार पंच लगाने की लगानी लगानी है, चाहे फाउल मिल जाए। ऐसा मेरे साथ भी हुआ था, मैंने चलो स्पोर्ट्स में इसमें नहीं था, मैंने देखा था ये रामगढ़ गर्ल्स कॉलेज में ऐसे ओपन कॉम्पिटिशन हुआ था, मुझे देखने का टाइम मिला था, तो एक लड़के था, लड़के की फाइट थी, तो उसने किक लगा दी, तो किक लगने के बाद वो हाइपर हो गया दूसरा लड़का जिसके किक लगी, तो उसने पूरा बदला लिया। तो मैं फिर वही रिपीट कर रहा हूँ, तो इसको बदले की भावना के साथ नहीं खेलना चाहिए, स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की भावना के साथ ही खेलना चाहिए। वंशिका जी, रिंग के अलावा, रिंग के बाहर क्या कभी भी ऐसा इंसिडेंट हुआ है, कभी किसी को आपने हिट किया हो, पंच किया हो, किक किया हो? स्कूल में हुआ था, मेरा क्लासमेट, मेरा पार्टनर था, वो तंग कर ही जा रहा था, तब उसको थप्पड़ पड़ा था। ओके, तो उस थप्पड़ का क्या अंजाम निकला ये भी बताइए। मतलब वो उसको तो गुस्सा चढ़ा था, लेकिन वो कह रहा है कि मैं अपने मम्मा को बताऊंगा, मैं क्या बोल दियो, कोई बात नहीं, तुझे देखना है तो बॉक्सिंग रिंग में आ। ओके, तो आपका जैसे वो कराटे सीख रहा था, आप सीखते थे, वो भी ऐसे ही था, पार्टनर था? नहीं, वो मतलब एक नॉर्मल जैसे कहते हैं स्कूल के गैंग्स होते हैं वो, तो स्कूल के गैंग्स के स्टूडेंट को आपने सबक सिखा दिया, तो यही पावर है हमारी, वुमन पावर की, चाइल्ड पावर की। इसलिए मैं चाहता हूँ हमारे देश का हर बच्चा, लड़कियाँ, स्पेशली लड़कियाँ इस फील्ड में जरूर आएँ, मार्शल आर्ट सीखें, कराटे सीखें। तो वंशिका जी, बहुत अच्छा भी हुआ मैं कह सकता हूँ, क्योंकि सेल्फ डिफेंस करना बहुत ज़रूरी है, तो मैं सोसाइटी के लिए मैसेज भी देना चाहता हूँ, हर एक बच्ची को, लड़कियों को ये आर्ट, कराटे, मार्शल आर्ट सीखना चाहिए, ताकि वो अपना और अपनी सोसाइटी का, अपनी फैमिली का सेल्फ डिफेंस भी कर सके। वंशिका जी, जब आपने उस लड़के को, जो आपके पार्टनर था, जो आप तंग कर रहा था, उसको हिट करने के बाद आपको कोई गिल्टी महसूस हुई? मतलब हुई तो, मतलब थी भी नहीं भी, क्योंकि मतलब वैसे तो मतलब कि उसने मतलब तंग भी कर रहा था ऊपर से, तो फिर तब हुआ था, मार भी दिया, नहीं मारना भी चाहिए। हाँ। तो शिशुपंज में थे आप, होना भी चाहिए था। तो उसके बाद टीचर्स का क्या रिएक्शन था? मतलब हमारी जो क्लास टीचर थी मेन, उनको मैंने हमने बताया था, तो मैम वाज लाइक कि आई डोंट वांट एनी कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द गर्ल्स एंड द बॉयज इन माय क्लास, तो उन्होंने मैटर सॉल्यूशन कर दिया। तो क्या किया था सॉल्यूशन? मतलब उन्होंने सीट चेंज कर दी, तो मैम ने उस टाइम पे तो वैसे भी इस क्लास की शफलिंग होने वाली थी, तो मैटर क्लोज हो गया। तो इसके बाद जब आपके कोच सर को पता चला, तो उनका क्या रिएक्शन था? मतलब सर तो मतलब सारे अभी भी मतलब ऐसे बात वगैरह करते हैं, तो सारे अभी भी मजाक उड़ाते हैं कि मतलब तो मतलब हले तू इतने प्रैक्टिस से तू ऐदा कर दिए उतने स्कूल नहीं राउडी जी है, मतलब वंशिका से बच कर रहना यही है। तो वंशिका जी, अब तक आपने कितने मेडल जीत चुके हैं इस कराटे के फील्ड में? मतलब मेडल्स तो कभी काउंट नहीं किए, लेकिन मतलब अभी लेटेस्ट 15 अगस्त को जो गुरु नानक स्टेडियम में जो प्लेयर्स एंड ऑल डॉक्टर्स वगैरह को ऑनर करा जाता है, उसमें आई वाज ऑनर्ड एज द रिप्रेजेंटर ऑफ पंजाब इन स्कूल गेम्स नेशनल। तो इस सब का आपके स्कूल्स के प्रिंसिपल स्टाफ को पता है भी आपको ऐसे ऑनर किए जा रहे हैं? उनको पता है, मतलब सारी टीचर्स वगैरह को पता था। तो तब उनका क्या रिएक्शन था आपके प्रति?
इस कि मतलब पीटी टीचर्स का तो सबका कॉन्ग्रेचुलेशन वगैरह तो सबकी ग्रीटिंग्स आई थी, बट माय एसएसटी टीचर वाज डिफरेंट. शी मेड द चिल्ड्रन क्लैप इन द ऑनलाइन क्लास. ओके, सो दैट वाज अ प्राउड मोमेंट फॉर यू. तो बहुत अच्छी बात है. तो ये तो आपकी स्पोर्ट्स की जर्नी हुई, तो आप बताइए आपकी एजुकेशन में तो कैसे आप टाइम निकाल लेते हो उसके लिए? मतलब अभी से हमारा 8 to 2 स्कूल होता है, उसके बाद फिर मतलब 8 to 2 अगर तो हाफ डे है तो मैं मतलब आफ्टरनून टाइम में कराटे क्लास हम लोग कर लेते हैं, नहीं तो मतलब ऐसे अगर 2 o'clock तक है स्कूल तो 2 o'clock स्कूल से सीधा ट्यूशन के बाद कराटे क्लास, देन कराटे क्लास के बाद ऑलमोस्ट 8 o'clock तक घर आते हैं, 8:30 तक. मतलब आप बैलेंस रखते हो कराटे को और एजुकेशन को, अपनी पढ़ाई को साथ साथ लेके चलते हो. रात को बैठ के पढ़ते हैं. ओके, तो उसके लिए रात को टाइम मिलता है आपको स्टडी के लिए. तो स्टडी में कभी आपने कोई प्राइज जीता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन ऐसे? एक मतलब एक तो हमारा ऐसे होता था कि एक तो स्कूल में हमेशा फुल अटेंडेंस मतलब सारी थी, प्लस उसके साथ अभी व्हेन आई वाज इन फिफ्थ स्टैंडर्ड आई टुक एन बैक एक्स्ट्रा बैकस क्लासेस इन माय स्कूल. सो मतलब उसमें एग्ज़ाम दिया था तो उसमें भी 100 on 100 उसमें गोल्ड मेडल था. तो वी कैन से यू आर ऑलराउंडर, स्टडी में भी हो आप, स्पोर्ट्स में भी हो. वेरी गुड, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप. वर्षिका जी, जैसे एक एक्टर होता है, डॉक्टर्स होते हैं, वो अपनी डाइट के प्रति बहुत सुचेत रहते हैं, ये खाना ये नहीं खाना, तो आप भी अपने आप को ऐसा फिट रखते हैं कि मुझे ये खाना है ये नहीं खाना, अपने डाइट प्लान के बारे में बताइए. मॉर्निंग में तो मम्मा ने मतलब बॉयल चने लहसुन का सूप वो तो देना ही देना है. मतलब दिन को तो लंच टाइम है मतलब रोटी मतलब नॉर्मल रोटी ही रहती है, साथ में कैरेट्स वगैरह सैलड्स मतलब नॉर्मल रोटी खाते हो, और मतलब मॉर्निंग में ही होता है जो डाइट प्लान वगैरह. वंशिका जी, जैसे आपकी एज है, जो इस एज के बच्चे होते हैं उनका जो टेस्ट होता है जंक फूड का, गोलगप्पे चाट खाएं टिक्की खाएं, तो आपके के साथ कभी ऐसा हुआ ये खाना है लेकिन आपके टीचर कोच उन्होंने मना किया हो? मतलब ऐसे तो हम लोग बोल देते हैं कि मतलब मम्मा पापा से पूछते हैं, सर वगैरह को भी हम लोग बोलते होते हैं, तो मतलब ऐसे मम्मा पापा तो पहले ही मना कर देते हैं कि वेट बढ़ रहा मत खा. तो सर तो मतलब सर को हम लोग ऐसे सर खाने के बाद हम बताते सर ये खाया था. खाने के बाद बताते हैं हमने खा लिया है, अब जो पनिशमेंट देना है तो दे सकते हैं, अब उसको मैनेज कर लेंगे. तो इस खाने के बाद सर सुन लेते हैं, उसके बाद क्या पनिशमेंट भी मिलती है या फिर ठीक है बस हो गया, ठीक है तो खा लिया? तो सर तो मतलब फिर ऐसे होता है लगाओ फिर 4-5 मिनट प्लैंक्स के सेट लगाओ मतलब पुशअप्स लगाओ इतने, सर कहते फिर ऐसे कहते सर मतलब वैसे फिर उस टाइम पे मतलब वैसे भी सर दो घंटे फ्री नहीं करते. मतलब जो आपने खाया तो उसी को डाइजेस्ट भी करवा देते हैं सर आपके. वंशिका, जैसे स्पोर्ट्स जो पर्सन होते हैं वो टाइम के बहुत पाबंद होते हैं, तो क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है आपको टाइम दिया सर ने इस समय पहुँचना है, आप पहुँचे नहीं हैं, आपको पनिशमेंट मिली हो? मतलब पनिशमेंट तो नहीं देता सर उस टाइम पर, फिर गुस्सा होता है जल्दी जल्दी वार्म अप कर प्रैक्टिस का तो करनी है फिर सर, मतलब उस टाइम पर मतलब ऐसा होता है कि वार्म अप कर ये स्टार्ट कर, फिर सर बताते जाते साथ के साथ. तो यही आपकी पनिशमेंट में आ जाता है, वार्म अप ज़्यादा करवाते हैं सर, रेस्ट नहीं लेने देते सर, मतलब रेस्ट खत्म हो जाती है, रेस्ट का जो टाइम होता है वो खत्म हो जाता है, वो वार्म अप में आ जाता है, उसके बाद प्रैक्टिस. तो वंशिका जी, ऐसे कभी हुआ है जैसे आपके पेरेंट्स को तो पता ही है, आपके जो रिलेटिव्स हैं जो एरिया मोहल्ले में रहते हैं उनको पता है वंशिका इतने मेडल जीत चुकी है कराटे में, तो उसके डर के रहना चाहिए ये कुछ बोला तो ये मुझे हमें मार देगी कुछ कर देगी, कभी हुआ ऐसा इंसिडेंट? नहीं ऐसा तो मतलब ऐसा नहीं होता. क्लास में हम लोग जैसे स्कूल में जाते हैं तो मतलब क्लास में भी बैठे होते हैं ना, तो हम लोग मैम ने बुला लिया, तो एक बार ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों लग रही थी, तो मतलब आई वाज सिटिंग इन द क्लास, मैम कॉल्ड मी फॉर द रीडिंग चैप्टर रीडिंग, माय स्लीव्स वर पुल्ड अप, देन मैम वाज लाइक वंशिका इज रेडी टू फाइट फॉर कराटे. मीन टू से आप हर समय लोगों को लगता है कि कराटे के लिए आप रेडी रहते हैं, तो इसलिए लोग डरते भी होंगे आसपास पास इससे डर के रहना है, पर जरूरी भी है, सेफ्टी भी जरूरी है. तो वंशिका जी, आपकी दिनचर्या क्या है, आपका डेली रूटीन क्या है? मतलब
मतलब मॉर्निंग में तो स्कूल के लिए 7 o'clock तक निकल जाते हैं, फिर उसके बाद शाम को मतलब ऑलमोस्ट सारा ट्यूशन, फिर कराटे क्लास, उसके बाद उधर से फ्री होके 9 o'clock तक घर आते हैं, फिर रात को लेट नाइट तक पढ़ते हैं। तो इन बिटवीन आपको कभी टाइम नहीं मिला, जैसे सभी स्टूडेंट्स होते हैं इस एज में, ओके, सोशल मीडिया बहुत एक्टिव होते हैं, फेसबुक चला लिया, इंस्टाग्राम चला लिया, आजकल जो ट्रेंड चल रहा है इंस्टा पे वो छोटी छोटी डाल के रील्स डाल के, क्योंकि अभी ऐसा भी आपको टाइम मिलता है उसके लिए? नहीं, मतलब मैं मतलब मेरा एक मतलब यूट्यूब चैनल तो है, लेकिन वो भी उसमें भी महीने दो महीने बाद ही मतलब कोई टूर्नामेंट वगैरह हो गया या तो सर ने खुद बोल दिया कि चल वीडियो बना लेते हैं, तब तो ठीक है, नहीं तो मतलब वो भी यूट्यूब चैनल भी नहीं मतलब इतना ध्यान दे पाती, व्हाट्सएप पे तो मतलब जो क्लासेस वगैरह लगती हैं, लेकिन सोशल मीडिया साइट्स कोई नहीं यूज़ करती, इंस्टाग्राम वगैरह कुछ नहीं, मैं मतलब मेरी फ्रेंड्स वगैरह खुद पूछते तो इंस्टाग्राम यूज़ करती है, स्नैपचैट यूज़ करती है, मैं कुछ नहीं यूज़ करती, वो मेरे को खुद बोलते हैं कि तू इंट्रोवर्टेड एक्सट्रोवर्ट है, कि मेरे को पार्टी करनी पसंद है लेकिन सोशल मीडिया मतलब इंस्टाग्राम वगैरह चलाना। मतलब आपके पास इतना टाइम ही नहीं होता तो आप इस सोशल मीडिया के लिए टाइम निकाल पाए, आपकी स्टडी और स्पोर्ट्स ही मेन आपने पास रखा हुआ है, तो क्या कभी ऐसा हुआ है आप मेडल लेके आए हो तो साथ में आस पड़ोस के लोग जो फैमिली से रहते हैं उनके पास आए, आपको बधाई दी हो, कंग्रेचुलेशन की हो? मतलब साथ वालों को तो पता ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है आप मेडल लेके आए हो हमारे मोहल्ले में, उनको पता ही नहीं कि मैं कराटे खेलती भी हूँ कि नहीं। ओके, उनको पता ही नहीं है हमारे मोहल्ले में एरिया में एक लड़की है इतने मेडल जीत चुकी है, व्हाट अ स्ट्रेंज। वंशिका जी, आप हमें बताएंगे आपका फ्यूचर प्लान क्या है इस कराटे फील्ड को लेकर, स्पोर्ट्स को लेकर? ये मतलब अभी तो मतलब जैसे अब तो कोशिश चल रही है कि नेशनल में गोल्ड आए, तो कैसे करके मतलब एशियन लेवल तक मतलब पहुँचा जाए इंटरनेशनल लेवल तक। तो उसके बाद जैसे एशियन गेम होती हैं, ओलंपिक्स होता है, तो उसका भी कोई टारगेट है आपका? हाँ, ओलंपिक्स का है, लेकिन मतलब मेन तो मेरा है कि उसी के कराटे के बेसिस से एनडीए ऑफिसर। एनडीए ऑफिसर वो क्या होता है पुलिस एक्सपीरियंस? नेशनल डिफेंस एकेडमी। ओके, मतलब आर्मी ऑफिसर, एज एन आर्मी ऑफिसर। तो आप उस आर्मी की लाइन में आप जाना चाहते हैं, तो वहाँ पे जाके अपने पूरे इंडिया को डिफेंस करना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, उनकी ओर से सेवा करना चाहते हैं। तो कभी आपने सोचा भी आप ओलंपिक में भी ऐसे पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करें? मतलब हम लोग वैसे कराटे क्लास में बात भी करते होते हैं, हम लोग बोलते थे सर नेशनल से मेडल आऊँगा तो की करूँगा, कहते तो नेशनल दी ना सोचो, तो ओलंपिक्स से आऊँगे तब देखांगे। तो बड़ी सोच रखनी चाहिए हमें। हाँ जी, तो हमारी टीम की ओर से शुभकामनाएं कि आप आने वाले समय में ओलंपिक में जरूर पार्टिसिपेट करेंगे। वंशिका जी, आपने फर्स्ट गोल्ड मेडल कब कौन सी एज में जीता था? व्हेन आई वाज 7 years old, माय मदर टुक मी टू चंडीगढ़ फॉर एन ओपन टूर्नामेंट। मतलब मेरे को उस टाइम पे पता नहीं था कि हम लोग सेमी कॉन्टैक्ट खेलते हैं कि फुल कॉन्टैक्ट खेलते हैं, जस्ट फील द फॉर्म ऑफ फुल कॉन्टैक्ट, आई डिडंट इवन कॉल माय फादर, आई जस्ट फील द फॉर्म, देन आफ्टर दैट मतलब फाइट हो गई, फाइट से बाहर आने के बाद आई यूज टू क्राई कि मम्मा चोट लग रही है पैर में, बाद में मेडल आया, उसके बाद तो माई लेग्स वर होल स्वोलन, तो मैं बाद में पापा से पूछा, मैं क्या पापा मैंने कहते तूने फॉर्म में क्या लिखा था, मैं क्या मैंने फुल कॉन्टैक्ट लिखा था, तो सेमी कॉन्टैक्ट खेलती है तो खेलना तो कुछ और फील्ड में, तो कुछ और फील्ड में एक्चुअल में उसमें टचिंग कर सकते हैं फुल कॉन्टैक्ट में, यू कैन मेक द कॉन्टैक्ट विद द फेस फुली, बट सेमी कॉन्टैक्ट में है कि यू कैन टच एंड बैक, तो मतलब दिस इज़ अ डिफरेंस बिटवीन सेमी कॉन्टैक्ट एंड द फुल कॉन्टैक्ट। चाहे आपने सेमी में किया या फुल में, लेकिन गोल्ड मेडल तो फर्स्ट मिल गया। हाँ जी, तो वंशिका जी, कभी ऐसा हुआ है जैसे गर्ल्स की गर्ल्स के साथ फाइट होती है, बॉयज़ की बॉयज़ के साथ, तो कभी ऐसा होता है जैसे ओपोजिशन में ओपोजिट की जाती फाइट बॉयज़ की गर्ल्स के साथ, कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? नहीं, मतलब ऐसा तो होता नहीं, लेकिन हमारी जो हमारे सर जो प्रैक्टिस करवाते हैं उसमें हमारी गर्ल्स के साथ तो बहुत कम होती है, मेन तो बॉयज़ के साथ होती है जो हमारे सीनियर्स हैं, यूनिवर्सिटी लेवल्स के प्लेयर्स हैं, प्लस सर हमारे साथ खुद करते हैं प्रैक्टिस फाइट्स वगैरह, तब भी उस टाइम पे भी मतलब अच्छे से प्रैक्टिस वगैरह करते हैं फिर सारे। तो उस हिसाब से प्रैक्टिस होती है ताकि बॉयज़ के साथ करेंगे तो और एनर्जी लगानी पड़ेगी और जोश के साथ काम करना पड़ेगा, तो और अच्छी प्रैक्टिस होगी। हाँ जी,
तो वंशिका जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, आपके मेडल देखकर। तो आशा करते हैं कि आपका जो ड्रीम है, सपना है एनडीए में जाने का, वहाँ पर सिलेक्शन करवाने का, तो वो जल्द से जल्द पूरा हो। और हमारी टीम की ओर से भी शुभकामनाएं हैं कि आप ओलंपिक में अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करें और इंडिया के लिए गोल्ड मेडल हासिल करें। थैंक यू। आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द टीम फॉर इनवाइटिंग मी फॉर द इंटरव्यू। तो वंशिका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें टाइम दिया, इंटरव्यू करने का मौका दिया। सो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा भी, वंशिका जो समाज में रहकर एक रोल मॉडल है उन लड़कियों के लिए जो बोलते हैं मैं कुछ नहीं कर सकती, या उन पेरेंट्स के लिए जो अपने लड़कियों को आगे नहीं आने देते। आप वंशिका को देख सकते हैं कैसे ये स्पोर्ट्स में, एजुकेशन के फील्ड में आगे आगे जा रही है, अपना नाम बना रही है। तो आशा करते हैं इनकी एनडीए में सिलेक्शन हो जाएगी। और आप भी अपने बच्चों को छूट दीजिए, लड़कियों को स्पेशली, ताकि हर एक फील्ड में, डांस, म्यूजिक, ड्रामा, स्पोर्ट्स, आगे बढ़ सके, अपना, पेरेंट्स का और सोसाइटी का नाम बढ़ा सके। तो ऐसे ही और शख्सियत के साथ आपको आने वाले समय में मिलवाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, और देखते रहिए वर्ल्ड एशिया टीवी। धन्यवाद।